प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगरतला में कई विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया। 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित नए घरों में 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवंटित होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज त्रिपुरा को अपना पहला डेंटल कॉलेज मिला है। इससे त्रिपुरा के युवाओं को यहीं पर डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार बनने से पहले तक सिर्फ 2 बार त्रिपुरा की नॉर्थ ईस्ट की चर्चा होती थी, और एक जब चुनाव होते थे और दूसरा जब हिंसा की घटना होती थी। आज त्रिपुरा की चर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए होती है। डबल इंजन सरकार सिर्फ फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही नहीं बल्कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दे रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगरतला में रोड शो किया। सड़कों से जुड़े हैं त्रिपुरा के, कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए दे रही है, और यहां की सरकार उसे तेजी से जमीन पर उतार करके साकार कर रही है। आज देखिए त्रिपुरा में नेशनल हाईवे का कितना विस्तार हो चुका है, पिछले 5 वर्षों में कितने नए गांव सड़कों से जुड़े हैं। आज त्रिपुरा के हर गांव को सड़कों से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। आज भी जिन सड़कों का शिलान्यास हुआ है उससे त्रिपुरा का सड़क नेटवर्क और सशक्त होने वाला है। अगरतला बाईपास से राजधानी में ट्रैफिक की व्यवस्था और बेहतर होगी, जीवन आसान होगा। साथियों, अब तो त्रिपुरा के जरिए नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक गेटवे बन रहा है।